हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिगनर्स मेकअप किट, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। और गाइस, जितने भी मैं आज मेकअप प्रोडक्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ, इन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी न्यू वीडियो से नोटिफाई रहें। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्किन को मॉइस्चराइज करने की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप से पहले। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर है ये, और इसकी हेल्प से भी आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ये मुझे मिल गया था 80 रुपीज के प्राइस में, जो कि काफी अफोर्डेबल है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, और मेकअप से पहले यू नो मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रोडक्ट की, फेस प्राइमर की। तो फेस प्राइमर के लिए मैं यहाँ को दो ऑप्शन देना चाहूंगी। ये है पतंजलि सौंदर्या एलोवेरा जेल, और बहुत ही अच्छी जेल है गाइस, इसे आप एज अ फेस प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक और ऑप्शन है, ये है मैक का प्राइमर। और मैक के पूरे प्रोडक्ट्स की मेकअप किट की मैंने एक रिव्यू की हुई है अपने चैनल पे। तो अभी तक आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं गाइस। बहुत ज्यादा पसंद किया है आपने उस वीडियो को, बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है वो वीडियो, और मैक की काफी अच्छे ऑफर में मुझे यू नो कॉम्बो ऑफर इसका मिल गया था। बहुत अच्छी एक अच्छी खासी मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स इसमें मिल गए थे, आईलाइनर, काजल, ब्रॉ पेंसिल्स वगैरह सब कुछ मिल गया था। तो आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करती हूँ, देखिए अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, बिगनर्स हैं, तो अगर आप ज्यादा अपने फेस पर कुछ हैवी नहीं लगाना चाहती हैं, और सुबह में हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि हम यू नो अपनी स्किन को अच्छे से यू नो फाउंडेशन लगाएं या इतना ज्यादा मेकअप करें, और काफी लोगों को इतना ज्यादा हैवी मेकअप पसंद भी नहीं होता है, तो अगर आपके पास इतना वक्त नहीं होता है तो मैं आपको यहां पर दो ऑप्शन दे रही हूं। सबसे पहला जो ऑप्शन है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, तो पॉन्ड्स बीबी क्रीम भी आप अपना एवरीडे मेकअप लुक अगर करना चाहती हैं तो उसमें ये कर सकती हैं। इसे इस्तेमाल आप डेली यूजेस के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, ये बहुत ही बेस्ट क्रीम है, इसे आप लगा सकते हैं। और इसमें आता है SPF 30 PA++++, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और जो कि आपकी यू नो सन प्रोटेक्शन भी देती है आपकी स्किन को। तो आप इस क्रीम को भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है ये मुझे यू नो 90 रुपीज में मिल गई थी ये क्रीम। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देना चाहूंगी, ये है लैक्मे 925 CC क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। अगर आप बीबी क्रीम यूज करना चाहते हैं तो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप ये यूज करना चाहते हैं तो ये क्रीम भी बहुत अच्छी है, और इसे भी आप रेगुलर में यूज कर सकते हैं। अगर आप डेली इससे मेकअप करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, और एक बहुत अच्छा ग्लो भी देती है और इजिली ब्लेंड हो जाती है। इसका रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा कवरेज चाहती हैं और थोड़ा सा यू नो अपनी स्किन को ब्राइटन दिखाना चाहती तो आप फाउंडेशन का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा यू नो कवरेज चाहिए तो फाउंडेशन का काम फाउंडेशन ही करता है और बीबी क्रीम का काम बीबी क्रीम करती है, राइट? तो आप फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन मैट पोरलेस, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये। और अगर आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम या फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाना चाहती हैं तो आपको मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहूंगी, यह है कलर स्क्रीन का ऑयल कंट्रोल पैनकेक है, ब्राइट इफेक्ट रिंकल केयर, बहुत अच्छा पैनकेक है गाइज। इसकी वीडियो भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की है, तो ये देखिए मैं इसको आपको ओपन करके, इसके साथ एक स्पॉन्ज आता है, ये थोड़ा सा मैसी हो रहा है, तो ये देखिए मैंने काफी खत्म भी कर दिया है इसको, बहुत अच्छा। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली यू नो इसके शेड्स जो हैं वो चूज कर सकती हैं, तो इसमें और भी आपको शेड अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये लगी है इस पैनकेक की कि ये आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहती हैं तो ऑनलाइन भी इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये भी पैनकेक बहुत अच्छा है, बस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैनकेक का इस्तेमाल करें तो मॉइस्चराइजर को जरूर लगाएं, उसके बाद आप पैनकेक को लगाएं। तो ये भी बहुत अच्छी कवरेज देता है, बहुत ही अच्छा है, इससे आपके डार्क सर्कल डार्क स्पॉट हाइड हो जाते हैं, बहुत ही प्यारा एक ये पैनकेक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आईज मेकअप की तरफ। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर आपको आई मेकअप ज्यादा नहीं पसंद है, ज्यादा हैवी कुछ नहीं करना चाहती हैं, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर मैं आपको तीन ऑप्शंस दे रही हूँ। तो ये है ब्लू हेवन के काजल हैं ये, या आईलाइनर जो भी आप कहें, इसे आप एज अ काजल और एज अ आईलाइनर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये भी बहुत अच्छी एक डील हो सकती है। ये भी मुझे 125 रुपीज में मिल गए थे, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, तो ये भी काफी अच्छे काजल है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और बहुत ही प्यारा है। बस आप सिंपल से ये काजल या आईलाइनर जो भी आप कहें, जिस तरीके से आप इसे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए कितने ज्यादा पिगमेंटेड हैं, ये देखिए वन स्वाइप में ही बहुत अच्छा कलर देते हैं। आप अगर ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती हो तो बस ये आईलाइनर ड्रॉ कीजिए और बस आपका मेकअप रेडी है, ये देखिए। तो ये तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं, ये देखिए, ये देखिए,
तो ये तीनों ही कलर काफी अच्छे हैं, कलरफुल हैं और रेनी सीजन में तो और भी अच्छे लगते हैं इस तरह से ब्राइट शेड अगर हम यूज करते हैं, तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और एक और मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देना चाहूंगी काजल के लिए, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाए थे वो आप काजल की तरह या आईलाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है फेसिस कैनेडा का काजल, ये भी बहुत अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंगनेस, मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही प्यारा काजल है गाइस, समर्स के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है आपको। तो ये देखिए ये भी काजल बहुत अच्छा है और ये भी जेट ब्लैक काजल है, वन स्वाइप में ही बहुत अच्छा कलर देता है, ये देखिए, ये देखिए। तो इस काजल को भी आप ट्राई कर सकती हैं, ये काजल भी बहुत अच्छा है और बिगनर्स के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करती हूँ एक और आईलाइनर की, ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर, ये देखिए, ये भी मुझे 100 रुपीज के प्राइस में मिल गया था, तो ये भी काफी अफोर्डेबल है, जेट ब्लैक है, ये लिक्विड आईलाइनर है और लिक्विड आईलाइनर अगर आप खरीदना चाहती हैं तो लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये देखिए, ये भी जेट ब्लैक है, वाटर प्रूफ है, ये देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मस्कारा की, मस्कारा के बिना तो भाई आई मेकअप वैसे ही अधूरा लगता है, तो मस्कारा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखिए ये है मेबेलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है गाइस, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं फाउंडेशन के बाद कंसीलर की, अगर आप अपने डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट को हाइड करना चाहती है तो कंसीलर के मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, दोनों ही मैंने नॉर्मल मार्केट से परचेज किए थे। तो ये है एक है न्यूड मैजिक यू बीबी कंसीलर है ये, और ये भी काफी अच्छा, और ये रोल ऑन कंसीलर है, ये देखिए ये रोल होता है, ये भी आपके डार्क सर्कल को हाइड करता है और डार्क स्पॉट को भी हाइड करता है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ये देखिए ये कंसीलर है, ये मुझे नॉर्मल मार्केट से मिल गया था, ये फाउंडेशन स्टिक भी है और कंसीलर भी है, टू इन वन है, तो आप इसे दोनों तरह ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करती हूँ फाउंडेशन पाउडर की या लूज पाउडर की या कॉम्पैक्ट पाउडर की, कॉम्पैक्ट पाउडर अभी इस वक्त मेरे पास एक है ग्लैम 21 और एक है लूज पाउडर, ये है लैक्मे का रोज पाउडर विद सनस्क्रीन के साथ आता है, इसके बिना भी मेकअप आपका अधूरा है गाइस, कोई भी फाउंडेशन बीबी क्रीम या सीसी क्रीम अगर आप लगाते हैं तो उसे फाउंडेशन या लूज पाउडर की हेल्प से सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि इस रेंज में सबसे बेस्ट लगा है मुझे, ये ओनली मुझे मिल गया था 126 रुपीज में मिल गया था ये ऑनलाइन, बट वैसे इसका प्राइस आप देखेंगे काफी अफोर्डेबल है 160 रुपीज में, और ये मुझे ऑनलाइन बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गया, और इसमें और भी ज्यादा शेड्स आते हैं तो आप अपनी स्किन के हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली इसे लिया हुआ है, तो इसमें आपको और भी ज्यादा शेड्स मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करती हूँ हाइलाइटर की, तो हाइलाइटर के बिना भी मेकअप अधूरा लगता है राइट गाइस, तो हाइलाइटर के लिए मेरे पास यहाँ पर है सिवाना कलर्स शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर है, तो ये भी काफी अच्छा हाइलाइटर है और ये भी मुझे 250 रुपीज में मिल गया था ऑनलाइन, और आप देखेंगे तो आपको यू नो डिस्काउंट, आप जानते हैं कि ऑनलाइन अच्छे अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, काफी अच्छा है ये भी हाइलाइटर, और ये देखिए कितना ज्यादा पिगमेंटेड है, ये देखिए, तो ये भी हाइलाइटर बहुत अच्छा है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आई शेडो की, तो आई शेडो के बिना भी मेकअप अधूरा होता है राइट, तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, ये मुझे 300 रुपीज में मिल गया था, ये देखिए, तो काफी पिगमेंटेड शेड्स है इसके भी और काफी अच्छे हैं ये शेड्स भी, ये देखिए कितना ज्यादा पिगमेंटेड है आप देख सकते हैं, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसमें आपको डार्क कलर भी मिल रहे हैं, लाइट पिंक, बेबी पिंक और पर्पल कलर मिल रहे हैं, और इसमें आपको शिमर्स में तीन कलर मिल जाते हैं, कॉपर शेड मिल जाता है, पर्पल है, सिल्वर शेड है, और इस शेड को आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए कितना ज्यादा पिगमेंटेड है ये शेड भी आप देख सकते हैं। तो इस पैलेट में आपको सभी चीजें मिल जाती हैं एक तरह से, अगर आप इसे ब्लश की तरह यूज करना चाहते हैं तो इस कलर को आप और इन दो शेड्स को आप ब्लश की तरह यूज कर सकते हैं, और इस शेड को आप हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं, और इसमें शिमर्स भी हैं तो आप शिमर की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फेस कंटूर के लिए यहाँ पर मेरे पास है मार्स हाइलाइटर एंड कंटूर पैलेट है, तो इसमें आप इन तीन शेड्स को हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं और इन्हें कंटूरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए इनमें ये सभी शेड्स आप कंटूरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये भी मैंने नॉर्मल मार्केट से ही लिया था, कुछ प्रोडक्ट हैं गाइस जो मैंने नॉर्मल मार्केट से लिए थे और कुछ मैंने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज किए थे, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी इनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट अफोर्डेबल लिपस्टिक की, तो बिगनर्स के लिए लिपस्टिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है लिपस्टिक के लिए, ये देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है एडीएस की लिपस्टिक है, ये लिक्विड लिपस्टिक है और ये मैंने नॉर्मल मार्केट से ली थी गाइस, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो ये देखिए इसमें मैंने दो शेड्स लिए हुए हैं और इसमें अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो भी आपको फेवरेट शेड लगता हो आपका वो भी आप ले सकते हैं, इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आपको ये लिपस्टिक मिल जाएंगी, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ लिपस्टिक है गाइस, ये 8 से 10 घंटे तक आपकी लिप्स पर टिकी रहती है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है गाइस, इसे भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देना चाहूंगी, ये है हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक है, ये देखिए ये बुलेट लिपस्टिक है और ये भी काफी अच्छा शेड है, ये मेरे पास है पिंक कलर का शेड है, ये देखिए
डेली यूजेस के लिए भी बहुत अच्छा शेड है, ये लाइट पिंक कलर का शेड है, कॉलेज गोइंग के लिए भी बहुत अच्छा शेड है क्योंकि काफी लाइट है ये देखिए। नेक्स्ट मेरे पास एक और ऑप्शन है लिपस्टिक का, ये भी इनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगी। तो ये देखिए ये शेड है मेरे पास फुशिया पिंक कलर में, और मेरे पास एक और शेड भी है इसी में, रेड कलर है, मैरून कलर है, तो आप देख सकते हैं। ये लिपस्टिक भी मुझे 30 to 50 रुपीज में आराम से मिल जाती है आपको, तो काफी अच्छी लिपस्टिक है। ये एडीएस की लिपस्टिक भी काफी अच्छी है, ये भी 6 से 7 घंटे आपकी लिप्स पर टिकी रहती है, तो आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बिगनर्स के लिए मेकअप किट। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।